बीपीएससी ने 20 ऐसे अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीपीएससी ने 20 अभ्यर्थियों पर बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षक बहाली के फर्जी तौर पर चिन्हित अभ्यर्थियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 साल का बैन लगाया गया है। बीपीएससी ने इससे जुड़ा नोटिस जारी किया है। परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों के डिटेल्स जारी कर दिए हैं। 5 साल तक अब वो बीपीएससी की किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। सहयोगी प्रीतम पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रीतम, बीपीएससी की ओर से पहले ही स्पष्ट किया गया था कि गड़बड़ी करने वालों पर गाज गिरनी तय है, और अब ऐसा होता दिख रहा। देखिए, ये परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक हुई थी और 2 महीने बाद, आज 30 अक्टूबर है, पूरे 2 महीने बाद जो है आयोग ने 20 अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की है और उन्हें अगली आगामी परीक्षाओं में बैठने से भी उसे उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन बात सवाल ये है कि परीक्षा 2 महीने पहले होती है और 2 महीने बाद इस 20 अभ्यर्थियों के बारे में पता चलता है कि इन्होंने किसी के बदले परीक्षा दी। इनका बायोमेट्रिक जो था वो नहीं मैच कर पाया था। इन्होंने आधार कार्ड किसी और के बदले दे दिया था। ये सारी बातें आयोग को 2 महीने बाद पता चलती है। और दूसरी बात एक, अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये जिन लोगों को, जिन 20 लोगों को सारी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, क्या ये सफल अभ्यर्थी है या ये असफल अभ्यर्थी है। यानी कहने का अर्थ है कि क्या जो बिहार लोक सेवा आयोग ने जो परीक्षा का जो परिणाम जारी किया था, क्या सफल अभ्यर्थी में से अभ्यर्थी है या नहीं है। तो ये सारी बातें देखने वाली है और आयोग ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है। दरअसल जिस तरीके से रिजल्ट आया है, उसके बाद से जो तमाम जगहों पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, उसके बाद जो है कहीं कहीं सरकार भी दबाव में है और उसी का ये नतीजा है कि जो है अब ये 20 लोगों को डिबार किया गया है। लेकिन परीक्षा में आपको पता होगा कि 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे, तो 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अगर परीक्षा में शामिल हुए थे और इतनी बड़ी संख्या में केवल 20 लोगों की कार्रवाई हुई है, तो ये देखा जाएगा कि आगे कोई कार्रवाई भी होती चलिए है। फिर सवाल खड़े होंगे, स्वाभाविक सी बात है। प्रीतम, नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए धन्यवाद।